एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो आज से यहाँ पर ECI वुमन गिब्राल्टार के T10 के मुकाबले स्टार्ट होंगे, जिसका पहला मैच जो है वो खेला जाएगा गिब्राल्टार वुमन वर्सेस इटली वुमन्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको ना अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको ये वीडियो पूरी हेल्प करे, खुद से टीम आप बना सकते हो ग्रैंड लीग्स की। बस आपको वीडियो अच्छे से पूरा वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में। रात में 10 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिब्राल्टार में। बैलेंस सरफेस रहता है, एवरेज स्कोर 90 से 100 बनता है, लेकिन ये वुमेंस वाला मैच है तो हो सकता है कि आपको लो स्कोर भी यहाँ पर देखने को मिले। इटली की जो टीम है मेरे को स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर प्लेयर है ना वो सब इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और अच्छे लेवल तक खेल चुके हैं। तो आपको ना इटली के फेवर में मैं देखो टीम बनाने वाला हूँ, आपको मैं स्टैट्स बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ से प्लेयर आएंगे सेरोन विथानगे। तो जो सेरोन विथांगे है ना, ये आपको मिलेगी बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन इनका ना जो सिलेक्शन रेट है वो 11% है अभी, लेकिन ये मेरी टीम के कप्तान है। कप्तान क्यों है वो सुनो आप। इन्होंने अपने करियर में ना 14 T20 के मैच खेले, 369 रन किए हैं, 33 का एवरेज है और 15 विकेट है 38 ओवर डाल के। मतलब ये ना ओपनिंग भी करती है, साथ के साथ आपको बॉलिंग भी देगी। और रिसेंट फॉर्म आप देख लो इनका, 26-1 विकेट, 21-1 विकेट, 7-3 विकेट, 51-0 विकेट। तो बहुत शानदार प्लेयर है, ओपन करेंगी साथ के साथ दो ओवर मेरे हिसाब से डालनी चाहिए, तो कैप्टनसी की प्रबल चॉइस है और इनका सिलेक्शन रेट बहुत कम है। दूसरी जो प्लेयर है यहाँ से चतुरी का महामलगे, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं। T20 में 9 मैच में 192 रन, 27 का एवरेज, 8 विकेट है 33 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म 31-0 विकेट, 41-2 विकेट, 0-1 विकेट, 16-0 विकेट। तो बहुत शानदार ऑलराउंडर है, मस्ट पिक होनी चाहिए दोनों के दोनों। फिर आएंगे ऐसे गायत्री बतगोड़ा, इनकी बात करूँ तो T20 में 13 मैच में इनके नाम 63 रन, 9 का एवरेज है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 9 बैटिंग, 16 नो बैटिंग 6 है। यहाँ से आएंगे इमिला बर्तरम, इनकी बात करूँ तो 4 मैच खेले इंटरनेशनल T20 के, 41 रन है, 2 विकेट है 14 ओवर डाल के। मतलब लगभग ना इन्होंने हर मैच में अपने ओवर कंप्लीट किए हैं, हालांकि विकेट कम है लेकिन इंपॉर्टेंट रह सकती है। रिसेंट फॉर्म 8-0 विकेट, 1-0 विकेट, 10-2 विकेट, 22-0 विकेट है। कुमुडू पेड्रिक आएंगे, ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, 14 T20 में 243 रन है और 14 विकेट है 47 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म भी आप देख लो, 10-3 विकेट, 14-2 विकेट, 27-2 विकेट, 19-2 विकेट। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस रहेंगी ये भी, ये बात आप ध्यान में रखना। फिर आएंगे ऐसे मैथनारा रत्नायका, जो कि इनकी विकेट कीपर है, T20 में 9 मैच में 48 रन है, ज़्यादा पॉइंट आपको विकेट कीपिंग के ही नज़र देती आएंगी। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 11-0 नो बैटिंग नो बैटिंग है। किरणदीप कौर है, 4 T20 में 0 विकेट है, 1 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 9 बैटिंग 9 बैटिंग, 0 विकेट है। तो बॉलिंग उतनी मिली नहीं है, सिर्फ 1 ओवर की बॉलिंग मिली है। फिर आएंगे ऐसे दिलेशा ननायकरा, इनकी बात करूँ तो मैं यहाँ पर आप देखो 13 T20 में 76 रन, 7 विकेट है 42 ओवर डाल के। मतलब बॉलिंग मिली है लेकिन विकेट थोड़े कम मिले। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि T10 में ना स्पिनर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि T10 में क्या है भाई, शॉट मारने तो स्पिनर्स को गुच्छे में विकेट ज़्यादातर मिल जाते हैं। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 33-2 विकेट, 0-1 विकेट, 1 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे निमेशा एक नायका, इनके नाम 5 T20 में 3 विकेट है 14 ओवर डाल के। मीडियम पेस बॉलर है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। यहाँ से आएंगे अनुषा लंदगे, इनके नाम 5 मैच में डिड नॉट बैट है, मतलब 5 मैच खेलिए, 5ों में ना तो बैटिंग मिली है ना बॉलिंग मिली है। फिर आएंगे ऐसे दिशानी समर विक्रमा, 11 T20 में 110 रन, 11 विकेट है, बढ़िया बॉलर है। रिसेंट फॉर्म 18 1 विकेट 1 विकेट 3 1 विकेट 0 विकेट है। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हो अभी के लिए सेरोनो विथांगे, यहाँ से चतुरिका को, इनके अलावा इमिलिया बर्तरम है, इसके अलावा कुमुंडू पेड्रिक है, और नीचे से अगर आप जाओगे तो यहाँ से दिलेशिया ननायकरा है, और इसके अलावा यहाँ से दिशानी समर विक्रमा है। बाकी बेंच पर जो प्लेयर हैं उनमें आप देख लो, सोनिया टोफलेटो हैं, 5 T20 में 8 रन है। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 6 नो बैटिंग 2 है। यहाँ से अने वर्णकुला सूर्या हैं, 2 T20 में 23 रन है, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग और 23 नॉट आउट है। इसके अलावा दो और प्लेयर हैं, इनके स्टैट्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। बात करेंगे दूसरी टीम गिब्राल्टार की। अब देखो जो गिब्राल्टार की टीम है ना भाई, इनके कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल नहीं खेले तो वही पता चल रहा है कि भाई लो लेवल की टीम है। और दूसरी बात, जो इनके डोमेस्टिक T10 के रिकॉर्ड है, ये इनके इंडोर T10 है, मतलब
जो पिच पे खेलते हैं ना बाहर ग्राउंड में, वहां के नहीं है, इंडोर के हैं मैचेस हैं, जो मतलब छोटे लेवल के मैचेस हैं आप ऐसे समझ लो। तो इनकी तरफ से ओपन कर सकती है रबेका वर्थ, और उनके साथ में आ सकती है रोजलिन रियली। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ से रबेका वर्थ की। तो देखो इन्होंने दो मैच खेले हैं डोमेस्टिक टी10 के, 9 रन है और 1 विकेट है 4 ओवर डाल के। मतलब दोनों मैच में बैटिंग भी की है, साथ के साथ 2 ओवर की बॉलिंग भी की है। और रोजलिन रियली की बात करूँ, 10 मैच में 17 रन, 8 विकेट है 16 ओवर डाल के। बैटिंग इनकी ना मेरे को खास लग नहीं रही किसी भी प्लेयर की इनकी टीम में। तो मतलब बॉलिंग तो फिर भी अच्छी है, लेकिन बैटिंग बहुत ख़राब है। यहाँ से हना त्रिनादाद है, 2 मैच में 0 विकेट है 4 ओवर डाल के, इन्होंने भी 4 ओवर डाले हुए हैं। सेली बर्टन जो कि इनकी विकेट कीपर है, लेकिन रिकॉर्ड आप इनका देखो, 7 मैच में 8 रन, 1 का एवरेज, बहुत ख़राब रिकॉर्ड है। यहाँ से लेनका ट्राइब है, 7 मैच में 1 विकेट है 12 ओवर डाल के, इन्होंने भी बॉलिंग ही करवाई है, रन तो सिर्फ 5 ही इनसे बने हैं। यहाँ से हेलन मम्फोर्ड है, 14 मैच में 24 रन है और 6 विकेट है 21 ओवर डाल के, इन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है। मतलब बॉलिंग कर लेती है, बैटिंग उतनी खास नहीं है इनकी। क्रिश्चियन मैकनीलिन 1 मैच में डिड नॉट बैट है। यहाँ से अमी वलवेरदे हैं, 40 मैच में 108 रन, 19 विकेट है 74 ओवर डाल के, इनका भी रिकॉर्ड एवरेज सा है। यहाँ से प्रभा है, प्रभा के नाम 4 मैच में 9 रन, 1 विकेट है 3 ओवर डाल के। जूलियन एंसल, इनके नाम 9 मैच में 5 विकेट है 16 ओवर डाल के, 14 रन भी इन्होंने किए हुए हैं। और एलिजाबेथ फेरेरी के नाम 42 मैच में ओवरऑल 24 विकेट है। तो देखो आपको किसी भी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर जिसने अच्छी बैटिंग की होगी, सबका रिकॉर्ड मेरे को बैटिंग से तो खराब ही लग रहा है। तो इनकी टीम के मैं सिर्फ 4 प्लेयर रखूंगा। 4 प्लेयर कौन? रबेका वर्थ, रोजलिन रियली, इनके अलावा नीचे से आप देखो हेलन मम्फोर्ड को रख सकते हो, नीचे से यहाँ पर प्रभा तो उतना खास नहीं है, लेकिन एमी वेलवर्दे और इनके अलावा एलिजाबेथ फ्रेरी, ये अच्छे प्लेयर हैं। बाकी बेंच पर जो प्लेयर हैं इनमें से एक प्लेयर है यहाँ पर नोइले लेगुआ, इन्होंने डोमेस्टिक टी20 के 8 मैच में 153 रन किए और 5 विकेट है। और बाकी जो नियामा रॉबसन है, यानीरा ब्लैग हैं, इनके कहीं पर भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इस मैच का जो एनालिसिस वाला पार्ट था वो हो चुका है कम्प्लीट, अब यहाँ पर अपन चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूं मैं यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है एम रत्नायके को, बैटिंग सेक्शन से रखा है जी बतगोड़ा, यहाँ से देख सकते हो आप प्रभा, इनके अलावा आर रियली को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से आर व्रत, सी यहाँ से महा मलगे, यहाँ से के फ्रेडरिक, और इनके अलावा बॉलिंग सेक्शन से जे एनसन, डी समर विक्रमा, डी ननायकरा, और इसके अलावा एस विथांगे, जिनका सिलेक्शन रेट बहुत कम है लेकिन मेरे एक कैप्टन रहेंगी ये, और वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ से के फ्रेडरिक है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो है टॉस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आफ्टर टॉस आपका टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है देखो, एक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आपको फाइनल टीम, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स और ऑफिशियल बेटिंग ऑर्डर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू भाइयों।